हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है बड़ा धमाका। अभीर और अभिमन्यु एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं और ये बात किस्मत ने भी मान ली है, यानी दोनों को एक साथ लाने का मौका शो में बार बार आ रहा है। इस बार आरोही ने की है ऐसी बदतमीजी जिसके लिए अक्षरा ने उसे मारा है जोरदार थप्पड़। सभी एक साथ समर कैंप में इकट्ठा हुए थे, लेकिन एक साथ आए कैसे, आइए जानते हैं डेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षरा, अभिनव और अभीर समर कैंप में जाते हैं। अभीर का काफ़ी ज़्यादा मन होता है तो ऑब्वियसली अपने बेटे को लेकर अक्षरा और अभिनव तो जाएंगे ही। लेकिन आपको बता दें कि दूसरी तरफ आरोही अपनी चालसाजी से बाज नहीं आती है। दरअसल आरोही को भड़काया होता है मंजरी ने। मंजरी उसको कहती है कि तुम अभिमन्यु के साथ वक्त बिताओ, उसको अपनी तरफ करो, वो अभीर की तरफ भाग रहा है, तुम्हें उसे अपनी तरफ खींचना होगा। बस फिर क्या होता है, रूही के बहाने अभिमन्यु को लेकर आरोही भी पहुंच जाती है समर कैंप में। वो सोचती है कि ये सभी वहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बट भाई आरोही को कहाँ मालूम होता है कि अक्षरा भी समर कैंप में ही है। ऐसे में जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो जाके आरोही को पता चलता है कि वहाँ तो अभीर, अभिमन्यु और अक्षरा सब एक साथ हो गए हैं। आरोही ये सब देखकर फिर चिढ़ जाती है। आरोही चाहती थी कि अभीर और अभिमन्यु एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि अभिमन्यु का पूरा ध्यान सिर्फ अभीर पर होता है। ऐसे में आरोही और रूही अकेले पड़ जाते हैं और अभिमन्यु का प्यार रूही को मिले, ये चीज़ आरोही हमेशा से चाहती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अक्षरा अभिमन्यु को देखकर अपना बैग उठाती है और वहाँ से निकलने वाली होती है, तभी आरोही उससे मिलती है और उससे बदतमीजी कर बैठती है। हमेशा की तरह वही ब्लेम गेम कि तुम मुझसे अभिमन्यु को छीनना चाहती हो, हमारे पीछे पीछे आई हो और मेरी खुशियों पर नज़र लगाती रहती हो। लेकिन इस बार अक्षरा किसी की नहीं सुनती, उल्टा आरोही को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और ये कहती है कि तुम आज भी बिल्कुल मैच्योर नहीं हुई हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और अपनी खुद की ज़िंदगी ख़राब करती हो अपनी घटिया जिद को लेकर। अपने पति को मेरे बच्चे से और मेरे परिवार से दूर रखो। वेल आरोही ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो लगता है कि अभिमन्यु और अक्षरा एक साथ है, लेकिन अक्षरा को अभिमन्यु में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभिमन्यु को हो चुका है शक, उसे लगता है कि अब अभिनव और अक्षरा के बीच शादी कभी हुई ही नहीं है और शायद इनके बीच पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, ये तो सिर्फ अभीर के माँ बाप बनने के लिए एक साथ हैं। वेल अभीर की सच्चाई के बाद अगर अभिनव और अक्षरा के रिश्ते का सच भी आता है सामने तो शो का ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।